प्लाईवुड फैक्ट्री में लगी आग, आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप धारण कर लिया। अजमेर के गेगल थाना क्षेत्र स्थित अजमेर इंडस्ट्री फैक्ट्री की घटना। फैक्ट्री में पेपर रोल व लकड़ी पॉलिश केमिकल होने से आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। नगर परिषद फायर इंचार्ज राम प्रसाद चौधरी के निर्देशन में दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। हाईवे से फैक्ट्री का रास्ता सकरा होने से दमकल की गाड़ियों को पहुंचने में हुई परेशानी। फैक्ट्री का टीन शेड व दीवार भी आगजनी में गिरा। जेसीबी व एलएनटी मशीनों द्वारा टीन शेड को हटाने का प्रयास जारी। दमकल कर्मी व सिविल डिफेंस की टीम फैक्ट्री से पेपर रोल व अन्य सामान को निकालने का भी प्रयास कर रही है। प्लाईवुड फैक्ट्री में भारी मात्रा में पॉलिश में काम आने वाला केमिकल होने से आग पर काबू पाना हो रहा था मुश्किल। फायर इंचार्ज राम प्रसाद चौधरी ने बताया, टीन शेड के हटने के बाद आग पर जल्दी ही काबू पा लिया जाएगा। बता दें, करीब 6 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने के प्रयास जारी है। राम प्रसाद चौधरी ने बताया कि दोपहर तक पूरी तरह आग पर काबू पा लिया जाएगा। बता दें, प्लाईवुड फैक्ट्री में आग लगने से लाखों रुपए के माल स्वाह हो गया। अज्ञात कारणों के चलते प्लाईवुड फैक्ट्री में आग लग गई। गेगल थाना पुलिस सहित प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे।